पूर्व भाजपा नेता प्रीतम सिंह लोधी का 15 दिनों से चल रहा आमरण अनशन अंततः टूट गया है। प्रीतम लोधी भाजपा के टिकट पर पिछोर से चुनाव लड़े थे और क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से एक पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और चार विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर पिछोर पहुंचे थे, जहाँ प्रीतम लोधी अनशन पर बैठे थे। सपा की तरफ से प्रीतम लोधी को सपा में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया था। फिलहाल प्रीतम लोधी अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा करते हुए दिल्ली में प्रधानमंत्री सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकात करने के लिए पिछोर विधानसभा क्षेत्र के किसानों की और क्षेत्र वासियों की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। पार्टी विरोधी बयानों के कारण भाजपा की प्राथमिक सदस्यता पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। संवाददाता सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। भाई साहब, उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद जी आज यहाँ आए और आपका जो है अनशन तोड़वाया और जो कुछ मांगे रह गई हैं उनके बारे में भी आपने बताया कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे आज आप? देखिए, यहाँ के नेताओं को बिल्कुल शर्म नहीं आई, ये नहीं देखा कि ये हमारा इतना संग दिया और इस व्यक्ति को हम भूखा सड़क पर डले देख रहे हैं। लेकिन अगर दर्द हुआ तो हमारे अखिलेश जी को हुआ, तब अखिलेश जी ने भैया से निवेदन किया, क्योंकि उनके घर में घटना घट चुकी है इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। उन्होंने तुरंत भैया कि जाइए, हमें प्रीतम लोधी को खोना नहीं है, हमें प्रीतम लोधी को चाहिए और पावरफुल चाहिए, क्योंकि वो सोच रहे थे अपने दिमाग से ये खाएंगे नहीं तो मिट जाएंगे और खाएंगे पियेंगे तगड़े रहेंगे तो लड़ाई लड़ लेंगे। तो वो आए, मैंने उनकी बात मानी, प्रशासन को अवगत कराया, प्रशासन इसमें आगे क्या करता है, कुछ मांग दिए नहीं मान रहे हैं, और जो नहीं माने हैं उनको लेके मैं फिर दिल्ली जाऊँगा। पूर्व सांसद जी ने आपका हाथ समाजवादी पार्टी के लिए मांगा है और वो चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ें, इस पर क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया था कि हम 5 पांडव बनने जा रहे हैं, 2 हम हैं, 3 हमारे पास हो रहा है, हम सब पांडव 5 हो जाएंगे फिर हम लड़ाई लड़ेंगे मिलजुल कर, उसमें जैसा भी फैसला ले लेंगे सारे लोग 5 मिलके, उस फिर जनता का फैसला होगा कि जनता अब क्या चाहती है। मैं जनता और जितने भी हमारे संगठन हैं उनके फैसले से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं उनके फैसले की कदर करता हूं, सम्मान करता हूं उसका। धन्यवाद नेताजी। आज आप पिछोर पधारे और प्रीतम सिंह जी जो लगातार कई दिनों से अनशन पर बैठे थे, आमरण अनशन पर, और अनशन आपने तोड़वाया, क्या कुछ कहना है इनके बारे में? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऑलरेडी प्रीतम सिंह जी की देखते हुए कि उनकी किस तरह से वो लगातार इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उनका आदेश हुआ, मैं खुद और मेरे साथ उत्तर प्रदेश से 4 हमारे माननीय विधायकगण और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी आरणी प्रीतम जी के आमरण अनशन को तुड़वाने आज आए, और इन्होंने जिन मुद्दों को लेकर आमरण अनशन किया उससे समाजवादी पार्टी पूरी तरह न केवल सहमत है बल्कि पूरा का पूरा समर्थन प्रीतम लोधी जी की इन समस्याओं को लेकर है, इनके संघर्ष को है, और सरकार को चाहिए कि जहां इस दौर में भी जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग संवेदनहीन हैं उसके बावजूद इन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया आमरण अनशन का। लगातार ये 15 दिन तक बैठे रहे, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया के जू नहीं रहेंगी और इनकी सुध लेने नहीं आए, इसीलिए तो मैंने कहा संवेदनहीन है ये लोग। और मैं तो भाई प्रीतम जी को कहूँगा कि भविष्य में इन लोगों के सामने जो लोग बहरे हों इनके सामने आमरण अनशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने भाषण में भी आमरण अनशन की वैल्यू बताई कि आमरण अनशन ऐसे लोगों के सामने किया जाता है, ऐसे संवेदनशील लोगों के सामने, कि लोग देखते हैं कि भूखे हैं, प्यासे हैं, तबीयत बिगड़ रही है तो तुरंत संज्ञान लेते हैं चीज़ों का, लेकिन 15 दिन उन्होंने संज्ञान तो नहीं लिया, इसीलिए मैं आपने मन से कहा है प्रीतम सिंह जी को विधायक बनाएंगे तो क्या सपा के नेतृत्व में ये विधायक बनेंगे? अब फैसला तो वो उनको लेना है, हालांकि हमारे लिए खुशी की बात होगी कि वो हमारी पार्टी के साथ आके करेंगे तो हमें भी ताकत मिलेगी और हमारी पार्टी की ताकत उनके साथ भी जुड़ेगी। यदि फाइनल फैसला तो आरणी प्रीतम जी लेंगे और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। प्रीतम सिंह जी ने भी मंच से कहा है कि आपको इस लोकसभा क्षेत्र का सांसद बनाएंगे, अब ये उनका बड़प्पन है। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लड़के 3 बार MP हो चुका हूँ, मुझे यकीन है कि प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश के लोग ही बना देंगे, लेकिन वो बात की चीज़ है, उससे पहले मध्य प्रदेश का चुनाव है। हमारी इच्छा है कि भाई न केवल प्रीतम जी
बल्कि इनके बहुत सारे साथी मिलकर समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर मध्य प्रदेश में पहुँचे और जिन समस्याओं के लिए आज ये हाथ फैला रहे हैं, इनकी कलम में इतनी ताकत हो कि स्वतः उन समस्याओं का समाधान करें, ये हमारी इच्छा है। धन्यवाद भाई।